क्या शुरू होने वाला है महिला क्रिकेटर्स के लिए एक नया दौर, क्या लिखी जाएगी एक बड़ी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। भारत में इन दिनों आईपीएल सीजन 15 धमाकेदार अंदाज में खेला जा रहा है। 10 टीमें इस बार आईपीएल सीजन 15 में हिस्सा ले रही हैं और हर दिन एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले हमें आईपीएल सीजन 15 में देखने को मिल रहे हैं। लगातार टीम्स की पॉइंट्स टेबल में जगह बनाने के लिए एक दूसरे से रेस जारी है और 10 टीमें खिताबी जंग के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई है। लेकिन इसी बीच हमारी महिला क्रिकेटर्स पहले आईपीएल के लिए ही इंतजार कर रही है, क्योंकि भारत में जिस तरह का सम्मान पुरुष क्रिकेटर्स को मिलता है, वो सम्मान, वो दौलत और वो शोहरत महिला क्रिकेटर्स को नहीं मिल पाती। लेकिन इसी बीच महिला क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है। कौन सी वो बड़ी अपडेट है, आइए रिपोर्ट देखते हैं और आपको बताते हैं। लगता है कि अब महिला क्रिकेट के हालात कुछ बदलने वाले हैं और इसका इशारा भी खुद दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने दे दिया है। जहां इस बार पुरुषों के आईपीएल के बीच में ही महिलाओं की तीन टीम्स के बीच वेमेन्स टी20 चैलेंज कराया जाएगा, जो कि साल 2018 से होता भी आ रहा है, जो कि पिछले साल कोरोना के चलते आयोजित नहीं हो सका था। साथ ही बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि साल 2023 से महिला आईपीएल भी कराया जाएगा, जिसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और अब खुशखबरी ये है कि इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। सवाल ये है कि क्या भारतीय महिला क्रिकेट के अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं? क्या वाकई विदेशों की तर्ज पर भारत में भी महिला क्रिकेट लीग की शुरुआत होगी? महिला क्रिकेट की शुरुआत 26 जुलाई साल 1975 से मानी जाती है, जब पहला महिला क्रिकेट क्लब सामने आया था। साल 1958 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई। पहला महिला टेस्ट मैच साल 1937 में खेला गया था। गौर करने वाली बात यह है कि पुरुषों के विश्व कप से 2 साल पहले ही महिलाओं का विश्व कप आयोजित हो चुका था, यानी कि साल 1975 में पुरुषों का पहला विश्व कप आयोजित हुआ। इससे 2 साल पहले यानी कि साल 1973 में ही पहला महिला विश्व कप आयोजित हुआ था। भारत में भी महिला क्रिकेट की शुरुआत साल 1973 में ही मानी जाती है। 1976 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच खेला था। समय बदलता गया और दिन ब दिन महिला क्रिकेट में भी बदलाव आते गए। आज के समय में भारत की महिला क्रिकेटर्स विश्व क्रिकेट पर राज कर रही हैं, चाहे वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज हों, जिनके नाम विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन दर्ज हैं, या फिर भारत की स्टार महिला तेज गेंदबाज और चकदे एक्सप्रेस के नाम से मशहूर झूलन गोस्वामी, जिनके नाम विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। भारत की महिला क्रिकेटर्स आज किसी भी मायने में पुरुष क्रिकेटर्स से कम नहीं है। साल 2017 में महिला वनडे विश्व कप की फाइनलिस्ट और फिर साल 2020 में टी20 विश्व कप की फाइनलिस्ट भारतीय महिला क्रिकेट टीम नए आयामों को छू रही है। पुरुष आईपीएल को शुरू हुए जहां 15 साल हो चुके हैं, तो वहीं अब महिला आईपीएल की शुरुआत के लिए भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ये संकेत दिए हैं कि वुमेन्स आईपीएल के राइट्स खरीदने के लिए ब्रांड्स ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि साल 2023 में महिलाओं का आईपीएल अलग विंडो में होगा। ये पुरुषों के 2023 में आयोजित होने वाले आईपीएल के बीच में या साथ में नहीं होगा। 6 टीम इस महिला आईपीएल में हिस्सा लेंगी। आईपीएल की अगर बात करें तो पिछले सीजन में आईपीएल ने 600 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया था। अब देखना ये होगा कि भारत की जनता जिस तरह से हमारे पुरुष क्रिकेटर्स को प्यार देती है, क्या वैसा ही रिस्पांस हमारी महिला क्रिकेटर्स को भी मिलेगा। आपको बता दें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही महिला क्रिकेट लीग खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, तो वहीं इंग्लैंड में द 100 का आयोजन हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी महिला क्रिकेट लीग आयोजित कराने के बारे में सोच रहे हैं। अब तो पुरुषों के आईपीएल के बीच में ही महिलाओं की तीन टीम सुपर नोवाज, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच वुमेन्स टी20 चैलेंज खेला जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2018 में 2 टीम्स के जरिए हुई थी और 1 मैच खेला गया था। 2018 में इस मुकाबले में सुपर नोवाज को जीत मिली थी। 2019 में इसमें 3 टीमों ने हिस्सा लिया था और बाजी सुपर नोवाज ने मारी थी। 2020 में ट्रेल ब्लेजर्स ने ये खिताब जीता था, तो वहीं 2021 में कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो पाया था। अब उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द महिला आईपीएल की शुरुआत एक धमाकेदार अंदाज में हमें देखने को मिलेगी। खैर, महिला आईपीएल की शुरुआत को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।